हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सुई से दो पार्ट को कैसे सिला जाता है वो मैं बताऊंगी, जिससे कि जॉइंट पता न चले। आप इस तरीके से दो पार्ट को जोड़ेंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई जोड़ है। इस तरह से सिलाई डाल करके आप स्वेटर के कंधे भी जोड़ सकते हैं, और जब गले का डबल बॉर्डर बनाते हैं तो भी इसी तरीके का सिलाई डालनी होती है। और अगर कोई भी प्रोजेक्ट का फंदा बीच से निकल गया है, चाहे वो पुराना स्वेटर हो, तो इसी तरीके से दोनों तरफ का फंदा आप सिलाई पर ले करके सिलाई कर सकते हैं। बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर सिलाई किया हुआ है। इसके लिए आपको दोनों तरफ का फंदा इक्वल ही लेना है। देखिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है। एक बार जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको और भी ईजी लगने लगेगा। यहाँ पर देखिए, जो उल्टा तरफ है वो दोनों अंदर रखेंगे और जो सीधा तरफ है वो दोनों बाहर रहेगा। देखिए, इस साइड का भी और इस साइड का भी, दोनों तरफ का। इस तरह से हम ले लेंगे दोनों पार्ट को। एक तरफ के पार्ट के धागे में हम सुई डाल लिए हैं। दोनों का फंदा इक्वल ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो आगे का पार्ट है अपने तरफ का, उसमें हम जैसे उल्टा बुनते हैं उस तरीके से सुई डाल करके इस फंदे को गिरा देंगे। उसके बाद पीछे के पार्ट में हम जैसे सीधा बुनते हैं उस तरीके से सुई डाल करके फंदे को ले लेंगे। देखिए, फिर हम आगे का पार्ट को, देखिए जो फंदा गिराए हैं उसमें ऊपर से नीचे की तरफ सुई ले जाएंगे। उसके बाद आगे का पार्ट का एक फंदा हम जैसे उल्टा बुनते हैं उसी तरीके से सुई पर ले लेंगे और इस फंदा को गिरा देंगे। अब जो पीछे के पार्ट का फंदा गिराए हैं उसे हम, देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ सुई ले जाते हुए डालेंगे। उसके बाद एक फंदा जैसे सीधा बुनते हैं उसी तरीके से हम सुई पर ले लेंगे। अब आगे का पार्ट का जो फंदा गिरा हुआ है उसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ सुई डालेंगे और एक फंदा जैसे हम उल्टा बुनते हैं उस तरीके से सुई पर ले लेंगे। फिर से देखिए, पीछे के पार्ट का जो फंदा गिराए हैं उसमें ऊपर से नीचे की तरफ सुई ले जाते हुए हम सिलेंगे। देखिए इस तरह से। उसके बाद पीछे का पार्ट का एक फंदा जैसे सीधा बुनते हैं उसी तरीके से सुई पर ले लेंगे। और इसे गिरा देंगे। फिर जो आगे का पार्ट है, जो फंदा गिर गया है, उसमें ऊपर से नीचे की तरफ सुई ले जाते हुए सिलेंगे और एक फंदा सिलाई का जैसे हम उल्टा बुनते हैं उसी तरीके से ले लेंगे सुई पे। यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि ये सुई से सिला हुआ है। बस आपको ध्यान रखनी है, जब पीछे के पल्ला की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो फंदा हम पहले गिराए हैं उसमें ऊपर से नीचे की तरफ सुई ले जाते हुए सिल लेंगे। देखिए इस तरह से। उसके बाद पीछे का पल्ला का एक फंदा जैसे हम सीधा बुनते हैं उस तरीके से सुई पर लेकर के सिल लेंगे और नीचे की तरफ जब आएंगे आगे का पार्ट में, तो जो फंदा गिरा हुआ है उसमें भी ऊपर से नीचे की तरफ ही सुई ले जाएंगे और इसे सिल लेंगे। फिर जो आगे का पार्ट का पल्ला है उसमें एक फंदा जैसे हम उल्टा बुनते हैं उस तरीके से लेंगे सुई पर और इसे सिल लेंगे। तो इसी तरह से आपको बार बार रिपीट करनी है। देखिए, जो गिरा हुआ फंदा है उसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ सुई ले जाते हुए सिलेंगे।
पीछे का पार्ट का फंदा हम जैसे सीधा बुनते हैं उस तरीके से सुई पर ले लेंगे, ऐसे सिल लेंगे। फिर जो आगे का पार्ट है उसमें भी ऊपर से नीचे की तरफ सुई ले जाते हुए सिलेंगे और एक फंदा सिलाई कर ले लेंगे। फिर देखिए गिरा हुआ फंदा सुई पर लेकर एक सिलाई का फंदा जैसे सीधा बुनते हैं उस तरीके से सुई पे लेके दोनों को एक साथ सिल लेंगे। फिर नीचे का फंदा जो गिरा हुआ है उसमें सुई डाल करके एक सिलाई का फंदा जैसे उल्टा बुनते हैं उस तरीके से लेकर के सिलेंगे। देख सकते हैं इसे सिलाई करना कितना आसान है, थोड़ा सा बस ध्यान देंगे तो आपको भी इजी लगने लगेगा। तो मैं इसी तरीके से सभी फंदे को सिल लेती हूँ। देखिए देख सकते हैं कितना आसानी से हम दोनों पार्ट को सुई से जोड़ दिए हैं, जैसे लग रहा है कि सिलाई का बुना हुआ है। तो इसी तरीके से हम बाकी के फंदे को भी सुई से सिलते हुए जोड़ लेंगे। लास्ट का फंदा भी जैसे हम बाकी का फंदा जोड़े हैं उसी तरीके से लेकर के जोड़ना है। देखिए सभी फंदे को सुई से सिल करके जोड़ लिए हैं, ये देख सकते हैं कितना सफाई के साथ बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।